हेलो एवरीवन, मैं प्रिंसिला कुमारी। आज मैं पनीर बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल आसानी से आप घर में बना सकते हैं और सारी सामग्री आपके घर में मिल जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पनीर बॉल्स। आलू पनीर बॉल के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, मैं 100 ग्राम पनीर को कद्दूकस कर ली हूँ। एक चम्मच है लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 आलू को बॉयल करके रखा है मैंने। ये मैदा है, छोटे चम्मच से 4 चम्मच है। और ये चावल का आटा है, ये 2 चम्मच है। और थोड़ा धनिया पत्ता है, ये मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है, ये वाला कॉर्न फ्लोर। और ये थोड़ा सा सब्जी मसाला है, मिर्ची पाउडर, ये चाट मसाला, और थोड़ा ग्रीन हरी मिर्च, ये अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पनीर बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं हम आलू लेंगे, इसे अच्छे से मैश कर देंगे। और इसमें ये पनीर डाल देंगे, ये मैदा, चावल का आटा और अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता और ये जो सामग्री है पूरे हम डाल देंगे। और इसे अच्छे से हम हाथों से मैश करेंगे। इसमें नमक अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना चाहिए नमक उतना डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, इतना अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हो चुका है। और इसे हम 5 मिनट रेस्ट के लिए ढक कर रख देंगे। ये पनीर बॉल का जो ये पेड़ा है, इस सेट हो चुका है, डो है। अब मैं इसे पेड़ा बनाऊंगी। हाथ में थोड़ा सा तेल ऑयल लगाएंगे कि अच्छे से पेड़ा बन जाए। ये अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बड़ा छोटा, मैं इतना बड़ा बना रही हूँ। देखिए इस तरह से आप इसे बॉल बना लीजिए। जितने हमारे ये तैयार है पनीर बॉल का डो, उसका पूरा ही आप इस तरह से गोल गोल बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा बॉल बनाकर तैयार कर दिया हूँ। अब इसे डीप फ्राई करते हैं। चलिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर, और अब इसमें तेल डालूँगी। कढ़ाई गर्म भी हो चुका है। डीप फ्राई करना है इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल हम डालेंगे। तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें हम एक डालकर चेक करते हैं। गर्म हो चुका है, इसमें नहीं चिपक रहा है, ऊपर को आ रहा है। इसी प्रकार हम और डालेंगे, इसमें और बॉल को डालेंगे। और गैस हमारा लो मीडियम फ्लेम पर रहेगा। इस तरह से हमें डीप फ्राई करके सुनहरा होने तक हम तंग कर लेंगे। अच्छा कलर आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा बॉल बनाकर तैयार कर दिया हूँ। अब इसे डीप फ्राई करते हैं। चलिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर, और अब इसमें तेल डालूँगी। कढ़ाई गर्म भी हो चुका है। डीप फ्राई करना है इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल हम डालेंगे। तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें हम एक डालकर चेक करते हैं। गर्म हो चुका है, इसमें नहीं चिपक रहा है, ऊपर को आ रहा है।
इसी प्रकार हम और डालेंगे इसमें और बॉल को डालेंगे। और गैस हमारा लो मीडियम फ्लेम पर रहेगा। इस तरह से हमें डीप फ्राई करके सुनहरा होने तक हम तल लेंगे। अच्छा कलर आना चाहिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से आप सारे बॉल्स को तल लीजिए। हेलो फ्रेंड, देखिए बनकर हमारा तैयार है पनीर आलू का, और बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर बनाइए और खाइए पनीर आलू बॉल्स, और चाय के साथ लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा और खाने में मज़ा आएगा। और पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो वाच जरूर करिए, प्लीज़ प्लीज़, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।